Hello students, this is our sixth lecture of the fire claim account in which we are going to cover the most important point of the type 1 problems or type 1 insurance policies, right? In which there are two types of stock is there. There is a normal and abnormal stock of goods. What do you mean by the normal and abnormal stock? Normal stock, that as it is, we have having the stocks and we are selling that. But what you mean by the abnormal stock? In the go down or in the kind of your business, some of the goods are may not be sold or wo bahut slow sell ho rahe hain ya to damage ho gaye hain. Wo jo goods kam bikte hain उसे हम एबनॉर्मल स्टॉक कहेंगे. और जब भी आपके गोडाउन में एबनॉर्मल स्टॉक होते हैं तो ये पॉइंट कंसीडर करती है इंश्योरेंस कंपनी कि आपके गोडाउन में एबनॉर्मल स्टॉक कितना था, राइट? वो भी कंसीडर करती है क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर कोई सारा माल एबनॉर्मल हो जाए या तो नॉर्मल स्टॉक कुछ भी ना हो, फिर भी वो अपने आप से जला देते हैं और फायर क्लेम एक्सेप्ट करवा लेते हैं. बट ऐसा नहीं हो, इसलिए यहाँ पे दो बाइफर्केशन हो रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल. ऐसा स्टॉक जो आउटडेटेड हो गया है, डैमेज हो गया है, कभी सेल नहीं होने वाला है, उसे एबनॉर्मल स्टॉक कहते हैं. उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट में बाइफर्केट करना पड़ेगा, नॉर्मल स्टॉक कितना है, एबनॉर्मल स्टॉक कितना है और टोटल कितना है. तो इसके लिए जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब तीन कॉलम वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. कितने कॉलम वाला? तीन कॉलम वाला. कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज द फॉर्मेट: पर्टिकुलर, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल. पर्टिकुलर, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल. सो अगर आपके पास टोटल इतना स्टॉक है, उसमें से इतना एबनॉर्मल है, इतना नॉर्मल है, ऐसे बाइफर्केशन करना पड़ेगा व्हेन वी आर मेकिंग द ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक और वट एवर एडजस्टमेंट इज गिवन रिगार्डिंग दैट. अब किस पीरियड में ये अकाउंट बनेगा, तीन कॉलम वाला किस पीरियड में बनेगा, वो सम के हिसाब से होगा. वन बाय वन हम सम देखते जाएंगे, उसके हिसाब से हम ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि थ्री कॉलमर ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, राइट? प्रैक्टिकल समझने के लिए हम प्रैक्टिकल नंबर 15 स्टार्ट करते हैं. अ फायर ब्रोक आउट ऑन नवंबर 21, 2010 इन द काव्या सीज गो डाउन, बट द बुक्स ऑफ अकाउंट वर सेव्ड एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड. स्टॉक एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ March 31, 2009, that is March 31, 2009, then stock at the 31st March 2010, then total purchase from 1st April 2002 to 31st 2009, total sale, purchase, sales, value of the goods sales, etc. At the time of the valuation of the stock on 31st March 2010, the goods worth ₹3,600 were not proper. It was difficult to sell and 600 was written off. Apart from the remaining goods, amounted ₹2,200 was sold in April 2010 at a loss of ₹200. Rest of the stock was valued at original cost. Except the above mentioned transaction, the gross profit remained the same. Prepare a statement of the damage in respect of the loss. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि रेट ऑफ ग्रेस प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया है. तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि ये वाले थोड़े एडजस्टमेंट है, उसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट हैं उसके रिगार्डिंग जो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे वही रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होगा. यानी कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर का भी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है. तो अगेन हम वो फाइंड करेंगे. देन अब देखेंगे आग कौन सी डेट को लगी थी, किस ईयर का हम प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन क्या है, और एबनॉर्मल स्टॉक की सेलिंग किस ईयर में हुई है, राइट? सो वो समझ लेते हैं. चलो, फायर की डेट कौन सी है? फायर की डेट है 21st नवंबर
2010। इन्फॉर्मेशन हमें दो ईयर्स की दी गई है, एक मार्च 31st 2009 की, यानी कि 1/4 2009 टू 31st मार्च 2010, ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। दैट मीन्स दिस इज द ईयर इन विच वी हैव टू गोइंग टू फाइंड आउट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर, यानी कि 2009 2010, 1st अप्रैल टू 31st मार्च, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, और उसके हिसाब से हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे, राइट? हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा 1/4 2010 टू टिल द डेट ऑफ द फायर, राइट? अब हम देखेंगे कि एबनॉर्मल स्टॉक की एंट्री किस पीरियड में आएगी। तो यहां पे क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ द वैल्यूएशन स्टॉक ऑन द मार्च 31st 2010, गुड्स वर्थ ₹3,000 वॉज नॉट प्रॉपर, इट्स डिफिकल्ट टू सेल, तो 6,000 वर रिटर्न ऑफ, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न ऑफ हुए हैं, कितने हैं, सिर्फ 3,600 का इन द मार्च 2010, यहाँ पे रिटर्न ऑफ हुए हैं सिर्फ। देन अ पार्ट ऑफ द रिमेनिंग गुड्स अमाउंटिंग ₹2,200 वॉज सोल्ड इन अप्रैल 2010 विद द लॉस ₹200 एंड रेस्ट ऑफ स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ओरिजिनल कॉस्ट। सो यहाँ पे जो भी गुड्स प्रॉपर नहीं थे, राइट, उसमें से 6,000 तो हमने रिटर्न ऑफ कर लिए, बाकी सेल कब हुआ जिसमें लॉस इंक्लूडेड है, वो है अप्रैल 2010। कहाँ पे है, अप्रैल 2010। तो दिस पीरियड 1/4 2010, सो यहाँ पे है, राइट? तो यहाँ पे हम 3 कॉलम वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जब हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तब सिंपल बनाएंगे, और यहाँ पे 3 कॉलम वाला बनाएंगे। समझ में आया? इससे हिसाब से हम अकाउंट फटाफट से बना लेते हैं। तो हमने फर्स्ट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, 1/4 2009 to 31st March 2010। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 25,000। देन परचेज फ्रॉम 1st April 2009 to 31st March 2010, दैट इज 1,33,600। देन वेजेस नहीं दिया गया है, यहाँ पे आएगा सेल्स से 1,80,000 rupees। देन क्लोजिंग स्टॉक है 32,000। और इसमें एक एडजस्टमेंट दिया गया है, क्या है, एट द टाइम ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक ऑन 31st March 2010, गुड्स वर्थ ₹3,600 वॉज नॉट प्रॉपर, दैट इज एबनॉर्मल, इट वॉज डिफिकल्ट टू सेल, वो सेल नहीं हो रहा था, सो 6,000 rupees का है जो वो हमने रिटर्न ऑफ कर लिया, तो यहाँ पे हमने एड कर देना है क्योंकि वो रिटर्न ऑफ हो गए हैं, बट यहाँ पे फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक वो हमें एड करना है, रिटर्न ऑफ 600, टोटल आएगा 32,600, और बाकी का जो माल था वो अप्रैल 2010 में सेल हुआ है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो अभी तक हमने वो पीरियड का नहीं बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हम सिर्फ क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट और रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? सो 1,80,000 प्लस 32,600, दैट इज 2,12,600 माइनस 25,000 माइनस 1,33,600, दैट इज 54,000, राइट? तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इन 200, सो 54,000 डिवाइड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई विथ
100. Percentage is 30%. The rate of gross profit will be 30%. It will remain the same for the next period also. But यहाँ पे abnormal stock का sales हुआ है in the April 2010. So हमें 3 column वाला trading account बनाना पड़ेगा, right? तो फटाफट से यहाँ पे वो बना लेते हैं. तो अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट टिल द डेट ऑफ द फायर, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल. स्टार्ट करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक से. ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? दिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हुआ, जस्ट बिकॉज इट्स एंडेड 31st March 2010 एंड इट्स स्टार्टेड ऑन 1st April 2010. सो क्लोजिंग स्टॉक 32,600 है और ये उसका ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो टोटल हम यहाँ लिखेंगे 32,600. इसमें अबनॉर्मल कितना था? तो हमने पहले ही लाइन में देखा कि 3,600 वॉज एबनॉर्मल, तो बाकी का नॉर्मल कितना हुआ? 32,600 माइनस 3,600 दैट इज 29,000 वॉज नॉर्मल, राइट? बाद में परचेज लिखा है 65,000. वो पूरे के पूरा नॉर्मल ही होगा क्योंकि हम अबनॉर्मल चीजें क्यों परचेज करेंगे, राइट? सो परचेज में कभी अबनॉर्मल नहीं आता है. देन यहां पे सेल्स यहां पे लिखा है 1,20,000. सो टोटल सेल वॉज 1,20,000, राइट? बट यहाँ पे नॉर्मल स्टॉक का सेल्स हुआ है जो हमने देखा था कि 1 अप्रैल 2010 में हुआ है. यहाँ पे कितना है देख लेते हैं. एडजस्टमेंट में लिखा है दैट इज 2,200 वैल्यू ऑफ द स्टॉक वॉज एबनॉर्मल. उसमें 200 का लॉस हुआ है. 200 क्या क्या हुआ है? लॉस हुआ है. तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक वॉज कितने में सेल हुआ है? 22,000 का माल था, 200 लॉस हुआ, तो अल्टीमेटली कितने रुपीज में सेल हुआ है? 2,000 रुपीज में. कितने में सेल हुआ है? 2,000 में. तो यहाँ पे हम सेल्स एबनॉर्मल सेल्स बट एबनॉर्मल स्टॉक का सेल्स कितना लिखेंगे हम? 2,000. तो नॉर्मल कितना हुआ? 1,20,000 माइनस 2,000, 1,18,000, राइट? और यहां पे लिखेंगे हम लॉस 200 रुपीज. लॉस कितना लिखेंगे हम? 200 रुपीज. अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट वॉज 2,200, राइट? तो यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया, सेल्स भी लिख लिया और जो एबनॉर्मल लॉस था वो भी लिख लिया, राइट? अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है और ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड करना है. ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेम है, कितना? 30%, राइट? कितना है? 30%. सो ग्रॉस प्रॉफिट हम किस पे लगाएंगे? 1,20,000 पे नहीं लगाएंगे. किस पे लगाएंगे? 1,18,000 का 30% ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे. सो 1,18,000 इंटू 30% दैट इज 35,400. एबनॉर्मल कुछ नहीं, 35,400. दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट. अब हम क्लोज करेंगे सभी अकाउंट्स तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा. सो 29,000 प्लस 65,000 प्लस 35,400. 1,29,400 माइनस 1,18,000 11,400. यहाँ पे आएगी 3,600 माइनस 22,000 दैट इज 1,400 एंड अल्टीमेटली आंसर विल कम 32,600 प्लस 65,000 प्लस 35,400
माइनस 1,20,000, दैट इज टोटल यहाँ पे 200 बाहर यहाँ पे भी आएगा, तो अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक आएगा 12,800. सो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 12,800. सो स्टेप नंबर 1 था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, वो हमने फाइंड कर लिया. स्टेप नंबर 2 था रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, तो वो भी हमने फाइंड कर लिया. देन स्टेप नंबर 3, ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड में से गुड्स कितने सेव हो गए हैं? 1,500 के गुड्स सेव हो गए हैं, राइट? सो 12,800 माइनस 1,500, 11,300 गुड्स सेव हो गए. स्टेप नंबर 4 क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है, एवरेज क्लोज लगेगा या नहीं लगेगा. तो यहाँ पे कोई भी मेंशन अमाउंट नहीं की गई है कि इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट कितनी है, तो यही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम होगा. राइट, दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 15 इन विच द टू टाइप्स ऑफ स्टॉक वॉज देयर, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. अब हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 17. अ फायर टुक प्लेस ऑन 1st March 2011 इन द होजियरी स्टोर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टॉक वॉज बर्न. फायर पॉलिसी वॉज फॉर स्टॉक हैज बीन टेकन. कैलकुलेट द क्लेम फॉर द लॉस ऑफ द स्टॉक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बिलो. स्टॉक दोनों अलग अलग डेट की दी गई है. देन नेट परचेज नेट सेल्स फॉर द ईयर 2010 वॉज गिवन एंड टिल द डेट ऑफ द नेट परचेज एंड नेट सेल्स ऑल्सो इज गिवन. यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू खास देखनी पड़ेगी. इन द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक बैलेंस शीट वॉज प्रिपेयर एट 31st December 2009 ऑफ ₹200 हैज बीन रिटन ऑफ फॉर द सर्टेन स्टॉक वॉज द पुअर सेलिंग एंड हैविंग द कॉस्ट ऑफ ₹2,200 एंड स्टॉक वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010 एट द लॉस ऑफ द 200 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. सेम अमाउंट है. देन सब्जेक्ट टू अबोव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट. तो यूनिफॉर्म रेट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेम है. द गुड्स एवरेज फ्रॉम द फायर वॉज कॉस्ट ₹1,000, राइट? बट यहाँ पे हम दो चीजें फाइंड करेंगे. पहले फायर की डेट क्या थी पहले वो लिखेंगे. तो फायर की डेट थी 1 मार्च 2011. देन हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, क्योंकि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1/1/2010 टू 31st December 2010. और किस ईयर के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है 1/1/2011 टू 1 मार्च 2011, यानी कि टिल द डेट ऑफ फायर, राइट? अब एबनॉर्मल स्टॉक किस ईयर में सेल हुआ है? यहां पे हमने देखा कि एबनॉर्मल ईयर हमें दिस ईयर में सेल हुआ था, इसलिए हमने जब ये अकाउंट बनाया टिल द डेट ऑफ द फायर वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तब हमने थ्री कॉलमर बनाया. अब देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा है दिस स्टॉक वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010. किस ईयर में सेल हुआ है? 2010 में. तो जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने वाला, उसमें हम थ्री कॉलम वाला बनाएंगे, और जब ये बनाएंगे तब थ्री कॉलम वाला नहीं बनाएंगे. समझ में आया? जिस ईयर में आपको एबनॉर्मल स्टॉक की सेलिंग दी गई है उसमें आप थ्री कॉलम वाला एबनॉर्मल स्टॉक अकाउंट बनाओगे. समझ में आया? तो इसी हिसाब से अब हम फाइंड करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर यानी कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट में थ्री कॉलम वाला बनाना पड़े, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमने
ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, दैट इज नॉर्मल एबनॉर्मल एंड टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल एंड टोटल. वी आर स्टार्टिंग विथ ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है. द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ द बैलेंस शीट पर्पज 31 दिसंबर 2009 का, यानी कि हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ 1-1-2010 में, राइट. ओपनिंग स्टॉक में क्या है, 200 का रिटर्न ऑफ किया है और उसकी वैल्यू है 2200, राइट. एक्चुअल में ओपनिंग स्टॉक है 14,000, उसमें प्लस रिटर्न ऑफ 200, अल्टीमेटली इट विल कम 14,200, आउट ऑफ विच 2,200 वॉज एबनॉर्मल लॉस. सो वॉट अमाउंट ऑफ द एबनॉर्मल, 14,200 माइनस 2,200, इट इज 12,000. This is the opening stock. We have written in the opening stock just because the information is directly given, that is 31st December 2009. And this was sold in this year 2010 at rupees 200 loss. वो हम बाद में देखेंगे जब sales की information करेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे purchase. Purchase कितना है, तो परचेज यहां पे लिखा है 2,72,400. परचेज कभी भी कोई अबनॉर्मल नहीं होता, राइट. देन यहां पे लिखेंगे सेल्स. सेल्स लिखा है टोटल 3,30,000 आउट ऑफ 2,200. एबनॉर्मल सेल वॉज 2,000 विद द 2,000 लॉस. टू हंड्रेड का लॉस हुआ है, 2,000 में सेल हुआ है, तो अल्टीमेटली 3,30,000 माइनस 2,000 इट विल कम 3,28,000, राइट. देन क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हो 2,200 का एबनॉर्मल था, पूरे का पूरा सेल हो गया विद द लॉस ऑफ द 2,000. सो क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल गुड्स कोई भी नहीं है, तो 22,000 क्लोजिंग स्टॉक था, एबनॉर्मल गुड्स कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा पूरा 22,000 आएगा. अब हम फाइंड कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट और उसका परसेंटेज, दोनों फाइंड करना पड़ेगा. इसके लिए हमें अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा. जब हम ये क्लोज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आएगा 65,600, राइट. कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट. अब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या मिलेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. सो 65,600 डिवाइड बाय 3,28,000 मल्टीप्लाई विथ 100, इट विल कम 20%. सो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20%. अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे टिल द डेट ऑफ द फायर. हमने रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक टिल द डेट ऑफ द फायर. सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक. दिस ईयर का क्लोजिंग, हमारे ईयर का ओपनिंग होगा, सो 22,000 आएंगे. देन परचेज, परचेज आएगा 32,000. सेल्स यहाँ पे आएगा 65,000. ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, सो 65,000 मल्टीप्लाई विथ 20% 13,000. क्लोजिंग स्टॉक हमें फाइंड करना है, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 22,000 प्लस 32,000 प्लस 13,000 माइनस 65,000 2,000. सो क्लोजिंग स्टॉक वॉज 2,000.
सो दिस इज द स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया. देन स्टेप नंबर थ्री, 2000 का स्टॉक था, उसमें से सेव कितना हुआ 1000 का, लास्ट लाइन में दिया गया है. ₹1000 का माल जल गया था. नाउ स्टेप नंबर फोर, पॉलिसी कितनी की ली है. पॉलिसी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो जो ये आंसर आएगा वही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम होगा. समझ में आया? आपको प्रैक्टिस में करना है प्रैक्टिकल नंबर 20, देन प्रैक्टिकल नंबर 22 एंड प्रैक्टिकल नंबर 24. राइट, थैंक यू.